Welcome to Bind EduTech, and we are continuing to discuss some of the important multiple choice questions from the chapter that we have completed through video lectures by textbook. Uska hum log MCQs kuch देख रहे थे और उसका इम्पॉर्टेंस मैं आपको बता रहा था कि MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो कितना इम्पॉर्टेंस रखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कोई भी चैप्टर या कोई भी पोएम पढ़ चुके हैं, मतलब कोई भी मीडियम रहा हो पढ़ने का, पढ़ चुके हैं अगर आप, तो आपको सेल्फ एसेस करना चाहिए, खुद को इवैल्यूएट करना चाहिए कि आपने जो चैप्टर या जो पोयम पढ़ा उसमें से कितनी गहराई तक आप जानकारी रखते हैं। और डेप्थ इन्फॉर्मेशन जो है वो वही बच्चा रख पाएगा जो बच्चा टेक्स्ट बुक के थ्रू पूरी कहानी को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड उसको समझेगा, पढ़ेगा। अगर वीडियो लेक्चर्स देखता है तो भी पढ़ेगा बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट बुक मैं लाता हूँ बोर्ड पे, वो मेरे पढ़, मैं तो पढ़ पढ़ के आपको बताते जाता हूँ, पर आपको भी वो आपके पढ़ने के लिए है। मैं सिर्फ मुश्किल वर्ड्स जहाँ आते हैं वहाँ पर आपको मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ उसको समझने में, और चैप्टर के इंट्रोडक्शन वगैरह को, बैकग्राउंड वगैरह को समझने में पहले मैं हेल्प करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशंस बता करके। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ना, ऐसे इस सेगमेंट का क्वेश्चन है जो हर तरह के क्वेश्चन आंसर के लिए काम आ सकता है। अगर आप इस स्टोरी का कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया शॉर्ट में, कोई 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, या 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन का आंसर लिखने में भी ये MCQs जो पूछे जाते हैं इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अगर आप इसको अटेंटिव हो करके, MCQs को थोड़ा सीरियस हो करके इसको ले पढ़े। और मैंने कहा था कि ईमानदारी पूर्वक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस में से आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो, और फिर तो मैं बताता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है, और मैं टेक्स्ट बुक में आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कहाँ लिखा हुआ था। और अगर टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था उसका साफ मतलब है कि मैंने अपने वीडियो लेक्चर में उसको एक्सप्लेन किया होगा, जिस वीडियो लेक्चर में भी किया हो। तो क्योंकि मैं थोड़ा अलग ढंग से, जैसे सबका अपना अपना तरीका होता है, स्टूडेंट का भी पढ़ने का सबका अपना अपना तरीका होता है, स्पेलिंग याद करने का अपना तरीका होता है, तो टीचर्स का भी अपना अपना एक तरीका होता है। मेरे वीडियोस, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ
कि नंबर ऑफ वीडियोस हो सकता है कि आपको ज़्यादा लगे कि 100 वीडियो बना हुआ है, 120 वीडियो बना हुआ है एक चैप्टर का, क्वेश्चन आंसर समेत मान लो सब चीज़, 120 वीडियो। तो पहले तो वो 120 वीडियो को आप 120 क्लास मत समझिए, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कम से कम 3 वीडियो को आप कंसेक्यूटिवली आप उसको देखें, पढ़ें, सुने, समझें, और 3 वीडियो को में जितना आपने पढ़ा उसको आप एक क्लास, जो ऑफलाइन क्लास होता है ना, वो एक क्लास के बराबर समझिए। तो ऐसा अगर कीजिएगा तो आपको बोझ नहीं लगेगा कि इतना वीडियो कौन देखेगा। भाई उतना वीडियो देखने का ज़रूरत उन लोगों को है जो लोग अपने आप को 90s, 80s में देखना चाहते हैं मार्क्स में, कि हमको 95 मेरा एम है, मेरा लक्ष्य है कि मैं 95 तक जाने की कोशिश करूँगा, या 90s में लक्ष्य तो ऐसे मतलब पार्टिकुलर नहीं आप तय कर सकते कि मैं 94 लाऊंगा या मैं 96 लाऊंगा, पर एक लक्ष्य ज़रूर तय करना चाहिए आपको हर सब्जेक्ट में। तो इस सब्जेक्ट में भी, इंग्लिश में भी, आप ये तय कर लीजिए कि आप कितने मार्क्स के ये में रहना चाहते हैं। पास होकर के अगर आप खुश हैं तो इतना मेहनत क्यों करोगे, मत करो। अगर पास से आप खुश नहीं हैं, आपको फर्स्ट डिवीज़न मतलब 60% चाहिए, तब तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको 70% में चाहिए तब आपको और मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को 80s में रखना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट 90s में अपने आप को रखना चाहता हो कि मैं मेरा एम जो है वो है 90s में रहूँगा मैं, मतलब 90, 91, 92, 93 जितना भी आए, मतलब 90 प्लस में रहेगा, तो उनके लिए स्पेशली, उनके लिए जो 80s और 90s में अपने आप को रखना चाहते हैं इंग्लिश में इस सब्जेक्ट में, तो जो टॉपिक्स मैं बताता हूँ उस टॉपिक को आपको वीडियो लेक्चर्स जो है वो एकदम लेक्चर नंबर 1 से देखना चाहिए। 3 वीडियो लगातार एक क्लास के बराबर समझ करके, और देखना, सुनना, पढ़ना और लिखना सब चाहिए, नोट्स भी बनना चाहिए कि इस वीडियो में क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ सर ने बताया। मैं जो बताता हूँ इस लाइन को, इस सेंटेंस को याद रखना। तो अगर आप हाईएस्ट मार्क्स तक जाना चाहते हैं तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और इंग्लिश में, लिटरेचर में हाईएस्ट मार्क्स तक जाने के लिए तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत की ज़रूरत है। जैसा मैं बताता हूँ कि जो आंसर आप लिखिएगा ऑब्जेक्टिव छोड़ करके, सब्जेक्टिव जो लिखने वाला आंसर आएगा, उस आंसर में मैं जो बोलता हूँ किसी किसी वर्ड के बारे में जो टेक्स्ट बुक में है, और बोलता हूँ आपको कि ये वर्ड आप अगर आंसर में यूज़ करें तो उसका प्रभाव, उसका इफ़ेक्ट बहुत पॉजिटिव पड़ेगा आपके मार्क्स पे।
तो उन वर्ड्स को नोट करते जाना चैप्टर वाइज, फिर उनको रिवाइज करना। एक होता है रिवाइज करना और एक वर्ड होता है रिवाइव करना। दोनों मिलते जुलते हैं। रिवाइज करना मतलब हो गया कि टीचर के पढ़ा देने के बाद फिर से अपने से उसको पढ़ना जितना दूर पढ़ाए, और रिवाइव करने का मतलब हो गया कि उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करें जो टीचर ने समझाया था पैराग्राफ या सेंटेंस या वर्ड बताते वक्त। तो आपको रिवाइज रिवाइव करते रहना पड़ेगा, स्पेशली इंग्लिश में। नॉर्मली तो किसी बोर्ड में प्रैक्टिकल है नहीं, है ना। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये इसमें आपको प्रैक्टिकल बहुत बचाता है, इसमें बचाने वाला नहीं है। तो मेहनत इसमें करना पड़ेगा। दो क्वेश्चन हम लोग ऐसे डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि 25 दिसंबर को वो लोग कहाँ थे, तो मैंने आपको बुक में भी दिखाया था और फिर आंसर यहाँ हमने देख करके ग्रीन किया। 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब देखो ये अगर कंफ्यूज करना चाहेगा क्वेश्चन सेटर, तो एक ऑप्शन में देखो ना, यहाँ भी तो दिया है 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम केप टाउन, ये कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। और दे वर सफरिंग द वेव्स अवे फ्रॉम केप टाउन, कि वो लोग तूफान में फंस गए थे, तो केप टाउन तक तो उनके सफ़र में कोई मुश्किल आया ही नहीं था, तो ये तो कट गया। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ना ये ईस्ट वर्ड को और ये किलोमीटर जो है उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस दे दे, ऐसा कि मान लो ऑप्शन दे दे 3500 माइल्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। अगर बी में ये किलोमीटर के जगह अगर माइल्स लिख दे, तो अब सोचो यहाँ पे तो बहुत कठिन परीक्षा होगा। तो वो लोग जो लोग पढ़ेंगे सुनेंगे लिखेंगे देखेंगे रिवाइज करेंगे नोट करेंगे, उनको ना वो कंफ्यूजन कम होगा कि माइल्स में वहाँ नहीं दिया हुआ था, किलोमीटर में दिया हुआ था। फिर तुमको ये ईस्ट वर्ड से कंफ्यूज कर सकता है ना, लिख देगा 3500 किलोमीटर वेस्ट ऑफ केप टाउन। तो ईस्ट की तरफ गया था, वेस्ट की तरफ नहीं गया था। जो पढ़ा होगा लाइन बाय लाइन, जो सुना होगा उसको ही याद रहेगा कि ये कंफ्यूज कर रहा है वेस्ट देके, ईस्ट की तरफ गया था वो लोग। और ये जो केप टाउन जगह है इसमें भी हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए कोई और वर्ड दे दे, तो आपको एम्स्टरडैम दे दे या कोई भी जगह का नाम दे दे। ऐसे होता है कंफ्यूज करना, छोटी छोटी चीज़ों को बदल देना। 3500 वही रखेगा और किलोमीटर के जगह मील दे देगा, माइल्स। ईस्ट के जगह वेस्ट कर सकता है, नॉर्थ साउथ कुछ भी कर सकता है, केप टाउन के जगह किसी भी शहर का नाम दे सकता है। तो जो डेप्थ एनालिसिस करेंगे पढ़ते वक्त, अटेंटिव रहेंगे, उनको कंफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
फर्स्ट ये पूछा था कि 25 दिसंबर को कहाँ थे, सेकंड हम लोग का क्या पूछा था, सेकंड पूछा था वो भी बहुत पार्टिकुलर एक डेट से पूछ दिया था कि यहाँ है कि 3 जनवरी को क्या हालत था, क्या स्टेटस था शिप को, शिप का 3 जनवरी को। अब सोचो जो नहीं पढ़ा रहेगा वो तो आउट ऑफ माइंड हो जाएगा कि कौन याद रखे भाई 3 जनवरी को क्या क्या हुआ था। तो मैंने आपको इसमें भी बुक में दिखाया कि 3 जनवरी फर्स्ट एक पैराग्राफ शुरू हुआ है जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऑन इन द मॉर्निंग ऑफ 3 जनवरी वो लोग क्या किए थे, थोड़ा राहत हुआ था उन लोगों के लिए क्योंकि वाटर लेवल को वो लोग क्या कर लिए थे, कंट्रोल कर लिए थे। एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स टेक्स्ट बुक में लिखे हुए थे। तो हमने फिर यह आंसर चुना टेक्स्ट बुक में, आपको मैंने दिखा दिया कि इसका आंसर देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो नहीं कर पाएगा या सही नहीं चुन पाएगा इसका मतलब है कि उसको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे उतने इजी में है या हमको बताने का ज़रूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। ये जो चैप्टर का टाइटल बना है इसी पे ना बना है। तो पूछा कि किसका स्टेटमेंट था ये, किसने कहा था। अब इसका ऑप्शन देखो, जॉन मतलब बेटे जोनाथन ने कहा था, या क्रूमैन जो 2 लैरी और हर्ब चढ़े थे उन लोगों का स्टेटमेंट था, या सुजेन का था, या मॉम मतलब मैरी का था, किसका स्टेटमेंट था ये। तो मैंने पढ़ाते वक्त जब मैं टाइटल के बारे में ही पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा था कि ये टाइटल जो है ये इस स्टोरी के एक कैरेक्टर के द्वारा बोला गया एक स्टेटमेंट है, और वो कैरेक्टर कौन था जिसने ये सेंटेंस बोला था। अगर इसका आंसर किसी के मन में कोई संदेह हो इसके आंसर में, तो एकदम समझ लो कि तुमको पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसका आंसर तो मतलब बच्चों जैसा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सबसे कम पढ़े हुए स्टूडेंट भी दे सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका था। ये स्टेटमेंट था उसके बेटे जॉन का, जोनाथन। ये उसी का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्व्स एंड द शिप। जब ये लोग तूफान में फंसे थे और शिप इनका और ये भी खुद बुरी तरह से डैमेज्ड थे, उस समय उन लोगों ने कहाँ जाने का डिसीज़न लिया खुद को और शिप को सुरक्षित रखने के लिए, कहाँ जाने का डिसीज़न लिया। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखो, कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है आइल एम्स्टरडैम, तीसरा ऑप्शन है मुंबई इंडिया, चौथा ऑप्शन है जापान।
अब इसमें जो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, हो सकता है उनको दो ऑप्शंस में वो सुना सुना लगे कि ऑस्ट्रेलिया का जिक्र आया था और आइल एम्स्टरडैम का भी जिक्र आया था, तो आपको इन दोनों में से कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का जिक्र हुआ है, लेकिन जो कंडीशन था शिप का, उस कंडीशन को देखते हुए ऑथर ने डिसाइड किया कि हम लोग का शिप का ये कंडीशन नहीं है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाए, तो हमें नज़दीक के किसी टापू तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। और जब उन्होंने मैप्स और चार्ट्स वगैरह से जब कंक्लूज़न किया था और कैलकुलेट किया था, तो उन्होंने बोला था कि पास में ही दो आइलैंड हैं, सबसे नज़दीक दो आइलैंड हैं, और उसमें से दूसरा का नाम तो नहीं बताया गया है, एंड वन ऑफ द आइलैंड आइल एम्स्टरडैम, ये लोग वहीं जाने का डिसीज़न लेते हैं खुद को और अपने शिप को बचाने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी आया है, पर ये क्लियरिटी वहाँ मैंने किया है कि ऑस्ट्रेलिया जाने लायक उनका शिप था ही नहीं, तो कहाँ जाने का डिसीज़न लिया उन्होंने अपने टूटे हुए शिप के साथ, और वो लोग भी टूटे फूटे हुए ही थे, डैमेज्ड थे, तो कहाँ जाने का डिसीज़न लिया, आइल एम्स्टरडैम। ये मुंबई और जापान तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, जिनका पढ़ा हुआ रहेगा, किसी भी हल्का फुल्का ही पढ़ा है तो वो यहीं कंफ्यूज करेगा, और जो पूरा पढ़ा है वो नहीं कंफ्यूज करेगा इन दोनों में, और सही आंसर चुनेगा कि ऑस्ट्रेलिया जाने लायक उनका शिप का हालत नहीं था, और इसीलिए उसने कैलकुलेट करके डिसाइड किया था कि एक टापू है जहाँ पर, जिसका नाम आइल एम्स्टरडैम है, और वहाँ हम लोग पहुँच सकें अगर, तो हम लोग बच सकते। तो आधा अधूरा पढ़े हुए स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूजन होगा, और पूरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया जाने लायक शिप नहीं बचा था, क्लियरली लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। तो आइल एम्स्टरडैम इसका आंसर है। नंबर 5, हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवस। अब ये एकदम टिपिकल, इसको हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में रखेंगे, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उतना टेक्स्ट बुक में जो जो लिखा गया है उसमें से ये याद रखना कि ऑथर ने कैनवस को कैसे स्ट्रेच किया, कैसे मैनेज किया। स्ट्रेच मतलब होता है खींचना, कैसे किया, हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवस। ए टफ क्वेश्चन, तो इसका आप ऑप्शंस देखिए, पहले लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन है बाय रिपेयरिंग द होल्स, दूसरा ऑप्शन है बाय आस्किंग क्रूमेन फॉर हेल्प, तीसरा ऑप्शन है इट हैपेंड ऑन इट्स ओन, चौथा ऑप्शन है द प्रॉब्लम गॉट ओवर एज द स्टॉर्म हैड पास्ड। इतने ऑप्शंस हैं कि प्रॉब्लम अब ख़त्म हो चुका था, और वो जो कैनवस है वो खुद स्ट्रेच्ड हो गया था, ये
ऑप्शन दिया, ये दिया कि कैनवस को स्ट्रेच करने में क्रूमैन, दो क्रूमैन थे जो लैरी और हर्ब, उनका मदद लेकर के उसने स्ट्रेच किया, या बाय रिपेयरिंग द होल्स। टफ क्वेश्चन है कैटेगरी में, तो जो स्टूडेंट लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे उनके लिए ये थोड़ा इजी रहेगा। कैसे, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये है हमारा पेज नंबर 15, ये दिख रहा है आपको पेज नंबर 15 में, इस पैराग्राफ में देखिए, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. तो ये जब मैं बता रहा था उस समय मैंने ये बताया था कि जो होल्स हो गए थे उन होल्स को, गैप को भर करके, स्ट्रेचिंग होल्स, तो होल्स वर्ड से यहाँ पर इसका आंसर पकड़ाता है। अब सोचो कि कितना डिफिकल्ट है एमसीक्यूज को पकड़ना, एक वर्ड बाय रिपेयरिंग द होल्स, कि उसने जो छेद थे वो बंद कर दिए और तब वो कैनवस को स्ट्रेच करने में सफल हो पाया। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।